नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3453 पोस्ट हैं और ये हमारे सीरीज का 41 वीडियो है। मतलब इससे पहले 40 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। पहला क्वेश्चन, भाषा के लिखित रूप को बात बताते हैं तो ये लिख कर बताते हैं, और भाषा के जैसे लिखित रूप, उसके बाद सांकेतिक रूप और बोलकर, ये भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। तो हमें लिखित रूप बताने के लिए लिखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि एक लिपि की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा भारत की राजभाषा जो कि है हिंदी, और हिंदी भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो हिंदी भारत के संविधान में 343 नंबर के आर्टिकल में मेंशन है और जो कि 17वें भाग में है। और हिंदी के प्रचार प्रसार की बात संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो 351 नंबर के आर्टिकल में हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात की गई है। उसके बाद संविधान के 344 नंबर के आर्टिकल में 344 नंबर के आर्टिकल में राजभाषा के संबंध में आयोग की गठन की बात की गई है। उसके बाद 346 नंबर के आर्टिकल में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में किसी भी राज्य और संघ के पत्र की भाषा की बात की गई है। उसके अलावा हिंदी की जो भाषा होती है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में मेंशन होती है, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ होती हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ प्रेजेंट टाइम में हैं। और संविधान के कौन से नंबर पे आर्टिकल की बात की गई है, तो 343 नंबर के आर्टिकल की बात में इस हिंदी भाषा की बात की गई है। उसके अलावा भारत में और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि संविधान में जोड़ी गई हैं, जैसे कि असमिया, उसके बाद बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और सिंधी जो भाषा थी वो 21वें संवैधानिक संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि 15वीं भाषा थी। उसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें कौन चार भाषाएं जोड़ी गई, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद संविधान व्याकरण भाषा को बताती है, तो व्याकरण भाषा को क्या बताती है, तो व्याकरण भाषा के नियम को बताती है, और व्याकरण से हम किसी भाषा के शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना जान जाते हैं। और व्याकरण से, जैसे कि व्याकरण में हमें शब्द लेखन या किसी भी तरह की त्रुटियों को जानने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये नियम सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद पुष्प कौन सा शब्द है तो पुष्प जो कि तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत का सेम का सेम है, और तद्भव जो बिकी बिगड़ा हुआ शब्द है, देशज जो देश का शब्द हो उसे देशज शब्द कहते हैं, और जो विदेश से आया हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। तो पुष्प जो कि है ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की श्रेणी में पुष्प आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, जो कि ओठ पर ऊ बड़ा ऊ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ए आई ओ बड़ा ओ में कौन सा स्वर है, तो इसमें कौन से स्वर हैं, तो इसमें कौन से स्वर हैं जो कि संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो दो वर्णों के मिलकर बने होते हैं, और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें उच्चारण में ज़्यादा टाइम लगता है, और दीर्घ स्वर जो कि कम लगता है उसकी। तो ए आई ओ में कौन सा सही है, तो संयुक्त स्वर करेक्ट आंसर होता है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं जो कि होती हैं 3 प्रकार की। मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। उसके बाद हिंदी के व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो कि 33 है, यानी 33 है हिंदी में जो कि व्यंजन वर्णों की संख्या है 33 है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि है कंठ से क वर्ण का उच्चारण किया जाता है।
वर्ण से कंठ का उच्चारण, जो क वर्ण होता है, क वर्ण का उच्चारण किससे किया जाता है, तो कंठ से किया जाता है। जैसे कितने वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग होता है, उसके बाद च वर्ग होता है, उसके बाद ट वर्ग होता है, उसके बाद प और अंतस्थ और उष्म होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र और ज्ञा और स्र, या और स्र, ये संयुक्त व्यंजन आते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 45 वर्ण होते हैं। उसके अलावा 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। उसके अलावा स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 13 होती है, लेकिन कहीं कहीं पे 11 दी जाती है। तो 11 क्या मतलब, 11 जो दो होते हैं ओ आ, इन्हें अयोवाह बोलते हैं, अयोवाह बोलते हैं। उसके बाद प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान का क्या है, तो ओष्ठ है। प वर्ण का उच्चारण स्थान ओ ओष्ठ है। तो एक बार उच्चारण स्थान सभी को देखते हैं, जैसे कि मूर्धा से क्या उच्चारण होता है, तो मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है री री और ट वर्ग के, और ट वर्ग और स, इन सब का उच्चारण होता है। उसके बाद तालु से क्या होता है, तो तालु से जो कि उच्चारण स्थान होता है ई और बड़ी ई, य और स का उच्चारण स्थान होता है। कंठ और तालु के मिलने से क्या होता है, कंठ और तालु से क्या होता है, तो कंठ और तालु से उच्चारण स्थान ए और ए का होता है, ए और ए का होता है। उसके बाद नासिक, नासिक से क्या होता है, तो नासिक से जैसे दंत से क्या होता है, तो दंत से जो कि उच्चारण स्थान होता है त वर्ग और स का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद ओष्ठ से जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो ऊ और बड़ा ऊ होता है। उसके बाद प वर्ग होता है, तो ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग होता है, ठीक। उसके बाद ओष्ठ और कंठ के मिलने से क्या होता है, ओष्ठ और कंठ जो कि मिलते हैं, तो इनसे क्या होता है, तो इनसे कौन कौन से वर्ण की उच्चारण स्थान होती है, तो ओ और आ वर्ण की उच्चारण स्थान होता है। इसी तरह अगर हम अरबी फारसी शब्दों की बात करें, अ क, तो स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या की बात करें, तो स्वर की संख्या जो कि 13 मानी गई है, लेकिन कहीं कहीं पे 11 भी दी जाती है। और 11 क्यों दी जाती है, जो अ और आ होते हैं, अ और आ जो कि अयोवाह में काउंट होते हैं। उसके बाद मात्रा के या उच्चारण में काल के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। जीभ का प्रयोग के आधार पर कैसे होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चन। जैसे अग्र स्वर होता है, उसके बाद पश्च स्वर होता है, और उसके बाद मध्य स्वर होता है। जो आगे जीभ की उच्चारण होती है, तो जीभ के आगे अग्र, फिर पश्च और फिर बीच में जो मिडिल में होता है उसे कहते हैं। उसके बाद ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि है, तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि मूर्धा है। और मूर्धा के साथ और कौन कौन सी चीज़ों का उच्चारण स्थान है, तो री का उच्चारण स्थान है, उसके बाद स का उच्चारण स्थान है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। दंत से क्या होता है, तो दंत से उच्चारण स्थान त वर्ग का होता है, दंत से त वर्ग का और त वर्ग और स का होता है। उसके बाद कंठ से क्या होता है, तो कंठ से जो कि क ओ आ और अ और क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा ह का भी उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ से क्या होता है, तो ओष्ठ ऊ और बड़ा ऊ और उसके बाद प वर्ग, इसका उच्चारण होता है। मूर्धा से क्या होता है, तो मूर्धा से जो कि उच्चारण स्थान होता है री और उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि है तालु, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि है तालु, तो तालु से हम उच्चारण स्थान क वर्ण का करते हैं। और तालु के अलावा च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई और बड़ी ई और उसके अलावा य और स,
जो कि उच्चारण स्थान, इन सब चीज़ों का उच्चारण स्थान तालु होता है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान जो कि है ओष्ठ, और ओष्ठ से किन किन चीज़ों का उच्चारण स्थान होता है? तो पहला तो ओ और अ आ, जैसे ओष्ठ ओष्ठ से उच्चारण होता है, स्थान होता है ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद प वर्ग, यानी ये प वर्ग में ही आते हैं। उसके अलावा ओष्ठ, ये सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसके अलावा ओष्ठ और कंठ से जो मिलते हैं ओ और अ और आ हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अंत स्वर स्थान में कितने प्रकार के प्रयोग होते हैं? तो अंत स्वर स्थान में पांच प्रकार के प्रयोग, अंत स्वर स्थान, अंत जो स्वर स्थान होता है इसमें कितने, तो चार प्रकार के स्वर होते हैं। तो अंत स्वर स्थान जो कि जिसमें चार प्रकार के स्वर होते हैं। उसके बाद हम ओठों से उच्चारण भी करते हैं। उसके अलावा तो अंत स्वर जो कि चार प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण जो कि है कुलीन, और कुलीन जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण, और विशेषण मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, और संज्ञा का क्या होता है, जो किसी नाम, प्लेस, स्थान या वस्तु होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, घनश्याम, ये सब संज्ञा होता है। विशेषता जैसे गुण हो गया, उसके बाद अच्छा हो गया, उसके बाद बुरा हो गया, ये उसकी विशेषता होती है, तो उसे विशेषता बना कहते हैं। तो शब्द संज्ञा से बना हुआ हुआ विशेषता है तो उसे कुलीन कहते हैं। तो इसमें संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है, तो कुलीन है। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन है? तो इसमें संज्ञा से बना है, जैसे गुण है तो गुण संज्ञा है, और गुण से जब बन जाता है गुणी, तो इसे कहते हैं ये विशेषण हो जाता है। तो गुणी इसका करेक्ट आंसर है। और जापान क्या है? तो जापान संज्ञा है। जाति क्या है? तो ये कामन यानी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये केवल जातिवाचक संज्ञा ही है, और जो कि गुणी है, जो कि एक विशेषण भी है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है फूर्ति, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं तालव्य वर्ग की, हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे वर्ग होता है और उसके बाद उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है। तो वर्ग जैसे कि तालव्य क्या कहते हैं, तो तालव्य जो होता है उसका तालु से करते हैं, मूर्धन्य होता है तो उसे मूर्धा से उच्चारण करते हैं, तो इस तरह से उच्चारण स्थान करते हैं। जैसे ओष्ठ से उच्चारण प फ ब भ म का करते हैं, दांत से क्या करते हैं, तो त थ द ध और न का उच्चारण करते हैं। उसके बाद मूर्धा से क्या करते हैं, तो ट ठ ड ड। उसके बाद तालु से क्या करते हैं, च छ ज झ इया। कंठ से क्या करते हैं, क ख ग अंग। इस तरह से उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर होता है अपमान। तो अपमान इसका करेक्ट आंसर है, और संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी ये विशेषण नहीं बना हुआ है। और वार्षिक जो वर्ष में एक बार होता है, या वार्षिक मतलब जो वर्ष की पूरी घटना होती है, नियमित यानी प्रतिदिन होता है। अपमानित जिनसे मतलब हेट शब्द से रिलेट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा की विशेष से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है इच्छुक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम की से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी होता है, जो कि 13 है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, जैसे अनुस्वार का मतलब क्या होता है। तो अनुस्वार जैसे किसी मंत्रा पर ऐसे लगा होता है तो इसे अनुस्वार बोलते हैं। जैसे दो बिंदी लगी होती है तो इसे क्या बोलते हैं, तो विसर्ग बोलते हैं। तो इसको अनुस्वार बोलते हैं, और इसको दो बिंदी लगी होती है तो विसर्ग, इसे क्या बोलते हैं, तो कामा। कामा को और क्या बोल सकते हैं, अल्प विराम, इस तरह से। और
इसके अलावा अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं, तो जिसकी हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ओके, इसके बाद यहाँ हो गया। तो ऐसे जिसके अनुनासिक स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसकी हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।